तो फिर और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। दोबारा से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। तो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा PSEC को यूज़ कैसे करते हैं, हर एक टूल का यूज़ करना सिखाऊंगा। और गाइस, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि मैं हर ट्यूटोरियल में इसके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। तो गाइस, इसके बारे में अगर मैं फिर एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा हर वीडियो में, तो गाइस उसमें फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्लस का जो आइकन है फोटो वाला, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सब कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। आप फोटो लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इस टाइप का कुछ भी क्लिक करके। तो इसको ये हो चुका गाइस। इसके बाद कैसा जाता है क्रिएटिव क्लाउड, तो इसका कुछ मतलब नहीं है गाइस। कैमरा वाले ऑप्शन में जाके आप कहीं यहीं कहीं से फोटो क्लिक कर सकते हैं गाइस। एंड गाइस, इसके बाद आ जाता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो इसमें खासकर ये इसका यूज़ करते सब लोग। तो इसमें क्या करना है गाइस, आपको 90x1080 का प्रोजेक्ट लेना है। वैसे ज़रूरी नहीं हर बार यही ले। अगर लोगो बनाना हो आपको तो 2000x2000 का ले लेना। अगर कोई थंबनेल बनाना हो वीडियो के लिए तो गाइस उसके लिए है 90x1080। ये हो चुका है, तो इस टाइप से हो जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस हमको क्या करना है, ये जो लेयर का ऑप्शन है राइट में बॉटम में, उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से एक बार ओपन होगा। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो लेयर फोटो लाइब्रेरी में इस तरफ से जाएगा। तो गाइस उसमें जाने के बाद फिर से हम फोटो ला सकते हैं। एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो एक और लेयर आ गई, जो खाली लेयर आएगी आप इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो गाइस उस लेयर की डुप्लीकेट हो जाएगी। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो गाइस लेयर जैसा है उस पर आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको एक बार मैं रुका करके दिखाता हूँ। यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये ब्लेंड मोड है, करना हो तो लिनियन डॉट से गाइस ब्लैक बैकग्राउंड। दोनों लेयर एक तरह से जुड़ जाएगी ऐसा समझ लो। एंड सबसे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है गाइस, तो ये इसको सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो डन कर देंगे तो यहाँ से ही हट जाता है सब कुछ। तो इसके बाद यहाँ कर सके ये कर सकते तो मैं रेड कलर कर ले। इसके बाद गाइस ग्रेडियंट आएगा, जिसमें आप टेक्स्ट को भी, टेक्स्ट में ज़्यादा इसका यूज़ होता है तो ग्रेडियंट में जाके ये सब कुछ हो सकता है गाइस। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, हम सब कुछ चेंज कर सकते। इसके बाद गाइस बहुत अच्छा हो चुका है। तो इसके बाद गाइस फेड का जो भी ऑप्शन आएगा, इससे गाइस आप कुछ भी इसको फेड कर सकते हैं। इसे इस टाइप से कर सकते हैं गाइस। कोई इतना बड़ा हो गया यार। हाँ, तो इस टाइप से आप कुछ भी कर सकते हैं इसको। ये ज़्यादा कुछ भी मतलब कुछ ग्लो करना हो या ऐसा कुछ हो तो इसमें आपको काम आ जाएगा गाइस ये। इसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से हो जाएगा कुछ भी। इसके बाद गाइस आपको कोई भी टेक्स्ट हो, जैसे मैं लेके दिखा तो रुक जाओ गाइस। फोटो लेयर फोटो लाइब्रेरी में जाने के बाद गाइस हाँ कोई भी टेक्स्चर नहीं मतलब पिक्सेल लैब से जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं रुको ले आता हूँ, ये रहा पिक्सेल लैब। इसमें जाने के बाद ये मैंने कर दिया गाइस। तो ये मरता सारा इंडिया नाम का कुछ टेक्स्ट है, इसको ले आऊँगा। ये मेरे उसका है टेक्स्ट, जो क्या नाम है, एक मेरा मॉन्टेज था उसका लिखा है। तो इसके यहाँ से देखो गाइस अब क्या कर सकते हैं हम गाइस, ये इसकी लेयर अलग बन गई। देखो इसको ये करूँगा तो हाइड हो जाएगी। इसके बाद गाइस हमको ये सेलेक्ट पिक्सल्स कर लेते हैं हम, तो इस टाइप से इसके पिक्सल सेलेक्ट हो जाएंगे गाइस। इसके बाद हम सिर्फ पूरी लेयर में वो नहीं होगा जो सेलेक्टेड है कि पिक्सल्स, उसमें ही सिर्फ ये फिल एंड स्ट्रोक में जाऊँगा। जैसे कि तो मैं इसमें कलर भर सकता हूँ, कुछ भी ग्रेडियंट में जाएंगे जिसमें हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से। एंड गाइस फेड में जाएंगे तो ये इस टाइप से हम इसको भी इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। तो ये हो चुका गाइस। एफएक्स में जाएंगे, अगर हमको इसको ग्लो करना हो तो एक बार तो इसके डिसलेक्ट पिक्सल्स करना, एक बार क्लिक करोगे तो हो जाएगा डिसलेक्ट पिक्सल। फिर ग्लो में जाना है तो आप किसी भी कलर से इधर ग्लो कर सकते हैं। तो ये हो चुका गाइस, ग्लो भी कर दिया हमने गाइस। बस ये डायरेक्शन ब्लर और ये तो ज़्यादा यूज़ किया काम आता है हमारा, टिंट काम आएगा एक यूज़।
पूरे टेस्ट का कलर या क्या भी कलर चेंज कर सकते हैं। एंड ड्रॉप शेडो दोगे तो इसके ड्रॉप शेडो बन जाएगी एक तरह से। और पोर्शन का सेम भी तो गाइस इसको हम कर सकते हैं डायरेक्शन फ्लोर, ये सब इतना कुछ काम नहीं आता, वो आप दस में देख लेना। एंड लेवल्स में जाने के बाद हम किसी भी चीज़ का कलर ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर सकते हैं, या फिर लेवल्स में ये देखो इन सब का ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसमें हमारा काम क्या आता है, सिर्फ टेम्परेचर का कुछ काम आता है, थोड़ा टेम्परेचर चेंज करना हो इस टाइप से, या फिर गाइस इसमें कलर बैलेंस और ये सब आप देख लेना गाइस। इसमें कुछ भी मतलब इसमें अलग नहीं है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे आ जाते तो यहाँ से मैंने आपको सेलेक्ट पिक्सल्स करना सिखाया था, ऐसे सेलेक्ट पिक्सल्स हो जाते हैं। शो पॉइंटर ऑन करूँगी तो आपको एक पॉइंटर दिख जाएगा जिसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं गाइस। जैसे कि हम नॉर्मली हम हाथ से बनाते तो ये पॉइंटर जहाँ रखोगे वहाँ से इस टाइप से आप क्लिक कर पाओगे, और इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप, हटा सकते हो। सो गाइस ये हमारा हो चुका है। इसके बाद कैसे हमको इसको हाइट पॉइंटर भी कर सकते हैं। एंड गाइस अगर हमारे किसी के भी सेलेक्ट पिक्सल को जैसे इसके सेलेक्टेड है तो डिसलेक्ट करना हो तो इसको ऐसे डिसलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ये हमारे जो ब्रश ऑप्शन है वो सब कुछ आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं मार्क के सिलेक्शन टूल को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सर्कल सिलेक्शन टूल एंड ये लेसो सिलेक्शन टूल और ये भी है जिससे हम सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद उसको ग्लास इफेक्ट दे के कुछ अच्छा भी कर सकते हैं गाइस। ये सब कुछ ये जो भी है तो इनका यूज़ मैं इतना नहीं करता, सिर्फ यूज़ में क्या आएंगे इरेजर टूल यूज़ आएगा ज़्यादा काम में, और ये मार्क सिलेक्शन टूल ये चार तो आपको ज़्यादा यूज़ में आना ही है, तो ये सब कुछ यूज़ कर लेना गाइस। तो इसके बाद गाइस हमको क्या करना है, एफएक्स में भी मैं आपको और को स्टाइलाइज में जाना है एंड ये ग्लास इफेक्ट आपका यूज़ आएगा जिससे इस टाइप से कुछ हो जाएगा। तो यही थी हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो, यहीं तक थी। सो गाइस टिल देन बाय बाय गाइस, बहुत सही ठीक ही थी वैसे वीडियो। तो गाइस बाय गाइस।